हाय एवरीवन वेलकम टू मेडिकल मैं आपके साथ एमडी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के बायोलॉजी सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट के एमसीक्यू शेयर कर रहा हूँ कल हमने कार्टेरी जॉइंट्स एंड के मोस्ट को विद पास्ट पेपर रेफरेंस के साथ डिस्कस किया था आज हम मसल्स के टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को विद पास पेपर रेफरेंस के साथ डिस्कस करेंगे सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सबसे पहला जो एम सीक्यू हमारे पास आता है वो हमारे पास है इव रेगुलर सिटु एंड इन कंट्रोल इज रिलेटेड टू विच मसल टाइप तो इसमें जो हमारे पास राइट आंसर था वो हमारे पास

ये हमारे क्वेश्चन हमारे पास यानी शेजामफ का भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो एम डी कैट कंडक्ट हुआ था फेडरल में उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया था ये मोस्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द नेक्स्ट हमारे पास है द सेल मेमबेन ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोलीमा सेल मेंसल सेल को हम सार्कोलीमा कहते हैं ये हमारे पास यूएचएस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन पेपर भी एमसीक्यूज पूछा गया था द नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है वट डू वी कॉल द सेल्फ सर्फिसम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड साल्कोइमा ये भी हमारे पास सेम यू एच एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का ही क्वेश्चन हमारे पास शिजांबी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को क्वेश्चन पेपर में लिया गया था द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी हमारे पास है कार्डिक मसल्स ऑल्सो नाउन एज मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल कार्डिक मसल को हम मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल भी कहते हैं ये हमारे पास एन एमडी कैट जो ट्वेंटी ट्वेंटी में हमारे पास नेशनल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था कि कार्डिक मसल इज आल्सो नाउन एज मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल देन नेक्स्ट हमारे पास है कि मायोग्लोबिन आर वेट पिगमेंट डेट स्टोर ऑक्सीजन मायोग्लोबिन एक वेट पिगमेंट है जो मसल्स में प्रेजेंट होता है ये स्टोर करता है ऑक्सीजन ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसी क्यूज है हमारे पास द माओफेब ऑफ स्मॉलर कॉन्ट्रेक्ट यूनिट्स कॉल्ड सालकोम ये में जो डेफिनेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पास्ट ईयर में बार हाँ दफा रिपीट हुआ आपने अच्छे तरीके से इस एमसीक्यूज को मेमोराइज करना है और अच्छे तरीके से अपनी बुक पर इसको हाईलाइट भी करना है देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास है डायमीटर ऑफ स्कल्ट मसल फाइबर इज टेन टू हंड्रेड माइक्रोमीटर डायमीटर पूछा गया है स्केलेटल मसल फाइबर्स का तो वो हमारे पास है टेन टू हंड्रेड माइक्रोमीटर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास है कि मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ मसल का पूछा गया है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो वो हमारे पास है स्केलेटल मसल देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास कि डैश मसल्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल ये एमसीक्यूज हमारे पास पास्ट ईयर में बारहा दफर पी हुआ है कि विच टाइप ऑफ मसल वर दर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ मसल तो वो स्मूथ मसल्स है स्मूथ मसल्स वर द अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स

डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास है सेवन टू एट नैनोमीटर नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन कार्डियक मसल इज स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछी गई है कार्डियक मसल में जैसे कि अगर हम स्मूथ मसल की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्लो होती है स्केलेटल मसल की बात करें तो उसमें स्लो तो रैपिड होती है अगर हम कार्डियक मसल की बात करें तो इसमें तो इंटरमीडिएट होती है ना तो ये स्लो होती है और ना ही ये फास्ट होती है तो ये इंटरमीडिएट होती है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ड्यूरिंग स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ए टी पी इज यूज फॉर तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिसका आंसर था हमारे पास क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग के दौरान हमारे पास ए टीपी यूज होती है तो ये यूएचएस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लेटेस्ट मसल प्रोवाइडेड बाई लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी एनर्जी होती है ये मसल में प्रोवाइडेड की जाती है बाय द लार्ज नंबर ऑफ माइटोकोडोरियान नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आफ्टर डेथ ए टी पी इन द बॉडी फोल्स कर जाती है एंड द बॉडी बिकम स्टिफ बॉडी अकड़ जाती है अ कंडीशन नाउन एस राइगर मोर्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है जो पास्ट ईयर में बार हाथ दफा रिपीट हुआ है इसको भी आप अच्छे तरीके से अपनी बुक पर हाईलाइट करेंगे देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास है वो हमारे पास है कि जो सार्को प्लाज्मिक है जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है सार्को प्लाज्मिक इज सिमिलर टू विच एंडोप्लाज्मिक वेटिक्युलम टाइप तो वो हमारे पास सिमिलर करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक वेटिक्यूलम देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सार्कोप्लाजमिक वेटिक्यूलम जो मसल्स में प्रेजेंट होता है ये क्या स्टोर करता है ये हमारे पास कैल्शियम आइंस को स्टोर करता है अपनी यूमिन के अंदर सार्कोप्लाजमिक वेटिक्यूलम स्टोर कैल्शियम आइंस इन देयर ल्यूमिन देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विच आर द फॉलोइ इज ए मसल कॉम्पोन डेट एक्ट एज स्टोर फॉर इनर्जी तो इसका राइट आंसर हमारे पास था क्वेटाइन पीओ फोर यानि क्वेटाइन फोस्फेट ये हमारे पास यूएसएस ट्वेंटी ट्वेंटी टू के एमडी कैट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया था क्वेश्चन हमारे पास है जो टाइटनस डिजीज होती है टाइटनेस इज कॉज बाय एन आरोबिक बैक्टेरियम कोलेस्टोरियम टाइटनी इसको भी आप अच्छे तरीके से अपनी बुक पर नोट डाउन या हाईलाइट करेंगे देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास आता है कि जो टेटनी डिजीज होती है टैटनेस और टैटनी एक चीज नहीं है टेटनेस कॉस्ट जो बैक्टीरिया से जो हमारे पास कोलेम टेटनी है और टेटनी जो कॉस्ट होती है ये कॉस्ट होती है बाय द लो कैल्शियम इन द ब्लड कैल्शियम कैल्शियम आइंस की लोअनस की वजह से ये हमारे पास डिजीज कॉस्ट होती है तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये थे मसल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज विद पास्ट पेपर वेफेंस आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी को शेयर करना ना भूलिएगा खुश रहें खुश रहने दें अल्लाह हाफिज